हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने मोटो जी 8 पावर लाइट एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन की वीडियो कॉलिंग की प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पर वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे फ़ोन में जो है ना वीडियो कॉलिंग की जो प्रॉब्लम आती है, तो आपको सबसे पहले एक कन्फर्मेशन ये करनी है कि आपके मोबाइल फ़ोन का इंटरनेट जो है वो चालू रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वीडियो कॉलिंग जो होती है बिना इंटरनेट के पॉसिबल तो नहीं है, चाहे आप वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, चाहे भेज रहे हैं, ठीक है, या फिर आ रही है, तो उसके लिए इंटरनेट आपका चालू रहना चाहिए पहले तो, ठीक है ना। ये आपको कंफर्मेशन करनी है। अब देखिए, इसके बाद आपको अगला प्रोसेस ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को एक बार रीस्टार्ट करना है, ठीक है। रीस्टार्ट करने के लिए मोबाइल फोन के साइड वाला पावर बटन आपको उंगली से दबा के रखना है। आपकी स्क्रीन के सामने एक छोटा सा पेज ओपन होगा, इस पेज में आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन मिलता है, रीस्टार्ट पे टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन जो है ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से क्या होता है कि हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाती है तो वो कमी जो है दूर हो जाती है। कमी क्या हो सकती है, देखिए हमारा मोबाइल फोन जो है हैंग करता है, वीडियो कॉलिंग की प्रॉब्लम आती है, नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो है वो सॉल्व हो जाती है फोन को रीस्टार्ट करने से, ठीक है। अब दोस्तों, इसके बाद आपको अगला प्रोसेस यहाँ पे करना ये है कि आपको जो है ना कौन से ऐप में, यानी कि जिस ऐप में आपकी वीडियो कॉलिंग की प्रॉब्लम आ रही है ना, उस ऐप को आपको रीसेट करना है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि यहाँ पर जो है मेरा एक कॉलिंग के ऐप में वीडियो कॉलिंग की प्रॉब्लम आ रही है, तो इस ऐप को मैं उंगली से आपको दबा के रखना है, ठीक है, उस ऐप को। तो एक छोटा सा पेज ओपन होगा, उसमें आपको ऐप इन्फो लिखा हुआ मिल सकता है, या फिर इस तरीके का सर्कल के अंदर आई बटन बना होगा, इसे टैप करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फिर से इसे टैप करता हूँ, ये देखिए सर्कल के अंदर आई बटन है, इसे टैप करना है। तो यहाँ पर आपका ये वाला पेज ओपन होगा, इसमें आपको स्टोरेज एंड कैच का ऑप्शन मिलता है, इसे आपको टैप करना है। इसके अंदर दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो क्लियर स्टोरेज का, दूसरा क्लियर कैच का। आपको पहले क्लियर कैच पे टैप करना है, तो नीचे की साइड ये कैच के सामने वाला डेटा जीरो हो जाएगा। इसके बाद आपको इसे क्लियर स्टोरेज पे टैप करना है, तो आपका ये डिलीट ऐप डेटा का पेज आएगा, इसमें आपको ओके या डिलीट का बटन टैप करना है। तो नीचे की साइड आपका ये यूजर डेटा के सामने वाला डेटा भी आपका जीरो हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको उस ऐप को रीसेट कर देना है जिस ऐप में आपकी वीडियो कॉलिंग की प्रॉब्लम आ रही है। अब दोस्तों, इसके बाद आपको अगला प्रोसेस करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट कर देना है, ठीक है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमारे मोबाइल फोन की जो नेटवर्क सेटिंग होती है प्रॉपर्ली ठीक तरीके से काम नहीं करती है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे फोन में वीडियो कॉलिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो आपको मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करने के लिए मोबाइल फोन का सेटिंग पेज आप ओपन करिए। इसके अंदर आपको सबसे नीचे की साइड सिस्टम का ऑप्शन मिल जाएगा, इसे टैप करना है। अब इसके अंदर आपको रीसेट ऑप्शन मिलेगा, इसे टैप करना है। अब इसके अंदर सबसे ऊपर ये रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ का ऑप्शन टैप करना है। ये जो तीन सेटिंग है ना आपकी, वाईफाई मोबाइल डेटा ब्लूटूथ, ये तीनों सेटिंग आपके मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग में इंक्लूडिंग पहले से रहती है। आपको इसे नीचे की साइड रीसेट सेटिंग पे टैप करना है। अब आपको अगले पेज में देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ मिलता है रीसेट ऑल नेटवर्क सेटिंग, आपको इसे नीचे की साइड रीसेट सेटिंग पे टैप करना है। टैप करेंगे तो नीचे की साइड आपको सबसे नीचे लिखा हुआ आ जाएगा नेटवर्क सेटिंग हैव बीन रीसेट। इस तरीके से आप जो है मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट कर देंगे, तो आपके फोन में जो वीडियो कॉलिंग की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद आपको आखिरी प्रोसेस यहाँ पे करना क्या है कि आपको अपने फ़ोन को रीसेट कर देना है। देखिए, आपको अपने फ़ोन को रीसेट तभी करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस अगर काम नहीं करते हैं, पहले के प्रोसेस अगर काम नहीं करते हैं, तभी आपको फ़ोन को रीसेट करना है। अदरवाइज आपको फ़ोन को रीसेट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर फ़ोन को रीसेट करने के लिए आपको मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज के अंदर आपको सबसे नीचे की साइड ये सिस्टम पर आपको टैप करना है। अब इसके अंदर आपको ये सबसे नीचे रीसेट ऑप्शन मिलेगा, इसे आपको टैप करना है। अब इसके अंदर आपको सबसे नीचे की साइड ये इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट पर टैप करना है। फैक्ट्री रीसेट पे टैप करेंगे, आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपकी वीडियो कॉलिंग की जो प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आपको फोन को रीसेट करने से पहले दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन में जितना भी डेटा है, सारा डेटा आपको किसी दूसरे फोन में ट्रांसफर कर लेना है या फिर उसका बैकअप ले लेना है। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि आपके फोन में जो जीमेल आईडी होती है ना और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम आपको पहले करने हैं, उसके बाद ही आपको अपने फोन को रीसेट करना है। तो इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी प्रोसेस आपको बताए सारे आप फॉलो कीजिए, तो आपके फोन में जो वीडियो कॉलिंग की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी।